यानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? ए बिहार सरकार, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी असम सरकार या डी झारखंड सरकार। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर भाजपा कार्यालय में एक दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित। भारतीय जनता पार्टी की एक दिवसीय जिला कार्य समिति बैठक स्थानीय जिला कार्यालय रानी तालाब में आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सह भाजपा बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि के साथ हुआ। मंत्री ने कहा कि बिहार में आने वाले समय में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में जिला परिषद का चुनाव पार्टी के द्वारा घोषित उम्मीदवार के साथ होगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर बैठक कर संगठन को मजबूत करना है। रोहित पांडे ने कहा कि पार्टी के द्वारा 18 मार्च से 24 मार्च तक जिला परिषद के क्षेत्र में बैठक होगी एवं उन्हीं बैठक में संभावित प्रत्याशी का नाम तय होगा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भागलपुर जिले के सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीत कर आए, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। बैठक में जिला उपाध्यक्ष श्यामल किशोर मिश्र, रोशन सिंह, मुकेश सिंह, विजय कुशवाहा, जिला महामंत्री देवव्रत घोष, अभिनव कुमार, मुरारी पासवान, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला कार्य समिति की बैठक थी और इसमें हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर पार्टी ने निर्णय लिया है कि पंचायती राज के चुनाव में जिला परिषद में हमारा उम्मीदवार होगा, जिसको हम लोग समर्थन देने का काम करेंगे। इसलिए सारे संगठन के लोगों का सहयोग चाहिए, इस पर सब लोगों से विस्तृत वार्ता और कार्य समिति के माध्यम से और संगठन कैसे मजबूत हो सकता है इस पर चर्चा की। समिति की बैठक हमारी चल रही है, प्रत्येक 3 महीने पर अपने संगठनात्मक गतिविधि जो की समीक्षा, जो हर 3 महीने पे जो 3 महीने जो कार्यक्रम चले, आगामी कार्य योजना, इसकी हम लोग आगे की कार्य योजना, योजना रचना और जो कार्यक्रम उसकी समीक्षा के जैसे भी कार्यकर्ता बैठते हैं और उसी निमित्त यह ऐसी कार्यकाल का आयोजन है जिसमें पंचायती राज मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का आगमन बैठक हुआ और अभी यह बैठक 3 बजे तक चलने वाली है, जिसमें कि तो अपने मंडल स्तर तक और शक्ति केंद्र, जो पंचायत हमारा शक्ति केंद्र है, उस स्तर पर अपने संगठन की रचना किस प्रकार से चल रही है और कैसे सुदृढ़ वह रचना हो और जो आने वाले जो कार्यक्रम है वो बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर कैसे सुनियोजित तरीके से चल रहे हैं और फिर आने वाले समय में जो पंचायती राज का चुनाव है, इन सभी सब विषयों को लेकर एक विचार मंथन करके और उसको आगे कैसे ठीक प्रकार से हम लोग योजनाबद्ध तरीके से लागू कर पाए उसके लिए। सिपाही भर्ती परीक्षा में हंगामा, देर से पहुंचे अभ्यर्थी को नहीं मिली एंट्री तो दीवार फंद कर अंदर घुस गए। बिहार में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। प्रवेश करने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अनिवार्य किया था, लेकिन भागलपुर में इसकी धज्जियां उड़ती दिखी। भागलपुर के राजकीय बालिका इंटर विद्यालय केंद्र पर देरी से पहुंचे अभ्यर्थी ने जमकर हंगामा किया। पहली पाली के अभ्यर्थियों को सुबह 9:40 बजे प्रवेश करना था, इसके बाद गेट बंद कर दिया गया। इस कारण गेट के बाहर करीब 100 परीक्षार्थी बवाल करने लगे, स्कूल के गेट को जोर जोर से पीटने लगे। 4 दर्जन से अधिक परीक्षार्थी गेट फांद कर अंदर चले गए। प्रशासन द्वारा सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। स्कूल प्रबंधक का कहना है कि 9:40 के बाद एंट्री नहीं है, यह जानकारी अभ्यर्थियों को पहले से दे दी गई थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगे। पुलिस के समझाने के बावजूद भी अभ्यर्थी नहीं माने और हंगामा करते रहे। पुलिस ने हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। भागलपुर नगर निगम के शौचालय हुए जर्जर, कई शौचालय है वर्षों से बंद।
भागलपुर नगर निगम द्वारा शहर में कई सार्वजनिक स्थानों पर हाईटेक शौचालय का निर्माण कराया गया था। कई शौचालय जर्जर हो चुके हैं तो कई शौचालय में ताला लगा हुआ है। इन शौचालयों में 1.24 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन जर्जर व ताले जड़े शौचालय सिर्फ कागजों पर चालू है। 3 वर्ष पूर्व तत्कालीन नगर आयुक्त अवनीश सिंह ने 14 हाईटेक शौचालय बनवाया था। नगर निगम ने उसे अनदेखी किया, नतीजतन उन शौचालयों का नामो निशान मिट गया है। जो शौचालय बचे हैं वो बदहाल है, फिर जो शौचालय बने उसमें ताला लगा हुआ है। हालांकि नगर निगम की ओर से 14 2-मंजिला शौचालय के निर्माण की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जिला स्कूल के समीप करीब 5 वर्ष पूर्व हाईटेक शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब भी उसमें ताला बंद है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 13 जगहों पर सड़क किनारे एल्युमिनियम का शौचालय व मूत्रालय का निर्माण कराया गया था। अधिकांश जगहों पर इसका नामो निशान मिट गया है। सार्वजनिक शौचालय भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में बने, चाहे वो तिलका मांझी हो, वैरायटी चौक हो, और भी मार्केट में जगह है, सारे बंद पड़े हैं। और चाहे तो वो बंद है या फिर जर्जर की हालत में पड़े हैं। और आपको बता दें, विगत 2 वर्षों में 1.24 करोड़ इसमें जीर्णोद्धार पर खर्च हुआ है। कहाँ हुआ? लूट मचा हुआ है। और आपको बता दें, ये सिर्फ आप शौचालय की बात करें, हमारी बहनें बेटियां बाज़ार जाती हैं और शौच की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ बंद पड़े हैं। मतलब कितने शर्म की बात है। नगर निगम में आप होल्डिंग टैक्स के माध्यम से कितने पैसे लेते हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। और अभी आपका सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जाना है सरकार को, तो क्या रिपोर्ट करिएगा? सारे शौचालय बंद है। पानी की समस्या देख लीजिए, घर घर में नल पानी देने की व्यवस्था है, गर्मी आ रहा है, इस बार गर्मी लगता है बहुत पड़ेगा, पानी पीने की सुविधा नहीं है। जो बहने भाई जो बाज़ार आते हैं, यहाँ पर 7-8 जिला के लोग आते हैं इस बाज़ार में जो भागलपुर शहर है, चूँकि ये सेंट्रली प्लेस्ड है, कोई सुविधा नहीं है। नगर निगम पूरा कोलैप्स है। और मैं तो आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय तारकेश्वर राव जो उनके पास नगर विकास भी है, वो भी आने जा रहे हैं 28 के बाद, पहले तो उनसे मैं जवाब पूछूंगा क्या नगर निगम की हालत है, और इस पर कार्रवाई करिए और जनता की जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने का काम कीजिए। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खरीक, राधा कृष्ण महायज्ञ हेतु निकाली गई कलश शोभा यात्रा। खरीक बाजार के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 27वां श्री श्री 1008 श्री राधा कृष्ण महायज्ञ का आयोजन खरीक बाजार के चैत्रावली दुर्गा स्थान के प्रांगण में शुरू होने जा रहा है। वहीं इस अवसर पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की हजार संख्या में भक्त शामिल हुए। नवगछिया में नए जगह पर शिफ्ट हुआ सब्जी हाट, स्टेशन रोड हुआ खाली, नवगछिया एसपी ने लिया जायजा। नवगछिया स्टेशन रोड में अवैध रूप से चल रहे सब्जी हाट रविवार को पूर्ण रूप से अपने नए जगह माल गोदाम चौक के पीछे शिफ्ट हो गया। अपने नए जगह पर शिफ्ट होने के साथ ही नवगछिया स्टेशन रोड पूरी तरह से खाली हो गया है, जिससे करीब 20 वर्षों से नासूर बन चुकी जाम की समस्या से लोगों को अब मुक्ति मिल चुकी है। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने नए जगह पर सब्जी हाट शिफ्ट होने के बाद खुद सब्जी हाट पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और सब्जी दुकानदारों से बातचीत की है। एक तरफ नवगछिया के लोग जाम से मुक्ति मिलने के बाद संतुष्ट दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सब्जी विक्रेताओं की भी कोई शिकायत नहीं है। सब्जी विक्रेताओं धर्मेंद्र, सुनील, गोविंद, मीना देवी, सुनीता देवी ने कहा कि बिक्री पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जितनी बिक्री उन लोगों को स्टेशन रोड में होती थी उतनी ही बिक्री यहाँ भी हो रही है। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि यहाँ जगह काफी साफ सुथरा है, इसलिए उन लोगों को सहूलियत हो रही है। मालूम हो कि सभी सब्जी विक्रेताओं को हाट में जगह का आवंटन लॉटरी द्वारा किया गया है। आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती, भाजपा के जिला मंत्री मुकेश राणा, भाजपा नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल सहित कई अन्य स्थानीय लोगों ने भी पुलिस प्रशासन के इस पहल पर संतोष व्यक्त करते हुए नवगछिया के सभी पदाधिकारी को साधुवाद दिया है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही
कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया मौन मगन भक्ति में ऐसन सारा बंधन तोड़ के इस बार भक्ति गीत पर डांस करते दिखे गोपालपुर विधायक। नवगछिया गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल का इस बार भक्ति गीत पर डांस करते हुए वीडियो सामने आया है। कहा जा रहा है कि नवगछिया में ही शिवरात्रि के अवसर पर एक जागरण के प्रोग्राम में विधायक ने नृत्य किया था। स्टेज पर उनके साथ कुछ महिला कलाकार भी नृत्य कर रही है। गाने का बोल कुछ इस तरह है, मौन मगन भक्ति में ऐसन सारा बंधन तोड़ के आज नैकी बहुरिया नाचे ललकी चुनरिया ओढ़ के। विधायक के विरोधियों ने इस नृत्य पर सोशल मीडिया में जमकर चुटकी ली है। तो दूसरी तरफ गोपालपुर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जागरण का आयोजन था, भक्ति में गीत बज रहे थे। ऐसे में विधायक जी ने लोगों को भक्ति के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नृत्य किया। उनके हिसाब से इसमें कोई खराबी नहीं है। हमारे आराध्य महादेव शिव के बारे में भी शास्त्रों में लिखा गया है कि उन्होंने समय समय पर तांडव नृत्य किया था। भगवान कृष्ण समेत कई आराध्यों ने भी नृत्य क्षमता का समय समय पर प्रदर्शन किया है। नवगछिया के भवानीपुर गांव में नवनिर्मित घर के दीवार को तोड़ने का प्रयास करने का आरोप प्राथमिकी दर्ज। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी टुनटुन यादव ने अपने पड़ोसी पर घर तोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए रंगरा थाने में शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के संदर्भ में देर शाम एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि एक व्यक्ति नवनिर्मित दीवार को लोहे के रॉड से तोड़ने का प्रयास कर रहा है। रंगरा थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में अजय यादव, मिडिल यादव, सुजीत यादव, दीन दयाल यादव, प्रकाश यादव को नामजद किया गया है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी के कार्यक्रम एवं पंचायत चुनाव में प्रत्याशी को लेकर की गई समीक्षा। जिला परिषद सदस्य ने पार्टी स्तर से पंचायत चुनाव में घोषित होंगे उम्मीदवार, पार्टी करेगी समर्थन। नवगछिया भाजपा कार्यालय में रविवार को जिला स्तरीय बैठक जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन को सुदृढ़ कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके तहत 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष विनोद मंडल ने कहा कि सभी बूथों पर कार्यक्रम 4, 5 एवं 6 अप्रैल तक चलेगा। 14 अप्रैल को पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती प्रत्येक पंचायत स्तर पर मनाएगी, इसका निर्णय लिया गया। जिला परिषद चुनाव हेतु क्षेत्रीय बैठक रखी गई जो 18 से 20 मार्च के बीच होनी है। 22 से 25 मार्च के बीच प्रत्येक पंचायत की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें 21 सदस्य बूथ कमेटी का अवलोकन कर पुनः गठित की जाएगी। जिला परिषद चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर पूर्ण समर्थन कर घोषित की जाएगी, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी 23 जून तक प्रमुख पेज बनाने का लक्ष्य रखी है। बैठक में मुख्य रूप से जिला प्रभारी अभय वर्मा, पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव, जिला महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कुमकुम देवी, उपाध्यक्ष महनवर किशोर दास, पुलकित सिंह, पूनम चौरसिया, विजय चौधरी, जिला महामंत्री अरविंद चौधरी सहित कई अन्य उपस्थित थे। किसान महासभा और भाकपा माले ने रंगरा में दो जगहों पर किया कार्यक्रम। 18 मार्च को पटना चलने का आह्वान। 3 कृषि कानूनों के विरोध में और बटाईदार किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर 18 मार्च को भाकपा माले और किसान महासभा द्वारा किए जा रहे विधानसभा मार्च को सफल बनाने के लिए पटना से रवाना हुई टीम ने रविवार को रंगराम में दो जगहों पर सभा का आयोजन किया। जानकारी के अनुसार रंगराम में काली स्थान ज्ञानी दास टोला में सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य सह किसान महासभा के नेता नवल किशोर ने कहा कि सरकार के ना चाहते हुए भी किसान आंदोलन ने अपना एक दिन जोड़ जोड़ कर 100 दिन पूरा कर लिया है। अब यह आंदोलन पूरे देश में
विस्तारित हो रहा है। बिहार में भाजपा जदयू की सरकार द्वारा गठित बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को इसी सरकार ने कभी लागू नहीं होने दिया। बटाईदारों के पक्ष में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, चार घर जलकर राख, चार बकरी झुलसने से मरी। नौगछिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 श्रीपुर में शनिवार की देर रात 11 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से चार लोगों का घर जलकर राख हो गया। इस आगलगी में श्रीपुर के विकास कुमार, रोहित कुमार, सिंटू कुमार एवं लूचो कुमार का घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से चार बकरी के झुलस जाने के कारण मौत हो गई। साथ ही सभी लोगों के घर का सभी सामान जलकर राख हो गया। देर रात आग लगने के बाद श्रीपुर में अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा अग्निशामक की गाड़ी को भेजा गया, जहां स्थानीय लोगों एवं दमकल के द्वारा आग पर काबू पाया गया। वार्ड पार्षद नागेश्वर सिंह ने बताया कि आग लगने से चारों लोगों का घर और सभी सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। अगलगी में लाखों की क्षति हुई है। अगलगी की घटना के बाद रविवार को उन्होंने पीड़ित परिवार को अपने निजी कोष से सूखा राशन, चावल, दाल, आलू, तेल, मसाला उपलब्ध कराया। वहीं उन्होंने प्रशासन से अग्नि पीड़ित परिवार को आपदा के तहत मिलने वाली सहायता राशि दिए जाने की मांग की है। नारायणपुर में दीवार गिरने से वृद्ध कूलो यादव की गई जान। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गांव में घर की दीवार से गिरकर करीब 62 वर्षीय वृद्ध कूलो यादव की जान चली गई। कूलो यादव अपने अर्धनिर्मित घर के दीवार पर चढ़कर मरम्मत कर रहा था। दीवार कमजोर होने के कारण काम करते समय वह दीवार से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद कमजोर दीवार टूटकर उसके शरीर पर भी गिर पड़ा, जिसके कारण उसके सिर में गंभीर चोट आई। दुर्घटना पर परिजनों ने उपचार के लिए उसे निजी डॉक्टर के पास पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कूलो यादव अपने पीछे पत्नी बोनी देवी, पुत्र सिट्टू अमित कारे यादव सहित पुत्री कविता और अनीता को छोड़ चले गए। नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार ने कहा कि इस प्रकार की दुर्घटना में किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता का प्रावधान नहीं है। नवगछिया, साइबर अपराधियों ने खाते से उड़ाए 34,997 रुपए। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा करारी निवासी पवन कुमार के खाते से साइबर अपराधियों ने 34,997 रुपए की निकासी कर ली है। घटना के संदर्भ में उन्होंने नवगछिया एसपी को आवेदन दिया है। पवन कुमार ने दिए आवेदन में बताया कि उन्होंने शनिवार को गूगल पे के माध्यम से खाते में 210 रुपए भुगतान किया। गूगल पे से पैसे के भुगतान करने के बाद भी उनके खाते में नहीं पहुंचा और मेरे खाते से 210 रुपए की राशि काट ली गई। इस संदर्भ में जब एसबीआई केयर सेंटर में बात किया तो उनके द्वारा बताया गया कि गूगल पर थर्ड पार्टी के कारण उनके ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी बैंक को नहीं होती है, इसलिए आप गूगल पे केयर सेंटर से जानकारी लें। मेरे पास गूगल पे केयर का नंबर उपलब्ध नहीं रहने के कारण गूगल से सर्च कर एक नंबर निकला। वहीं उक्त नंबर पर बात करने पर उनके द्वारा सहायता हेतु मुझे एक वरीय पदाधिकारी से बात करने के लिए लाइन पर बने रहने को कहा। पुनः चंद मिनट के बाद पर एक नंबर से बात होने लगी। उनके द्वारा बताया गया कि आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो गया है, पुनः राशि प्राप्त करने के लिए गूगल पर ऑन कर मेरे द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो करें। उनके द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो करने लगा। स्टेप फॉलो करने के क्रम में यूपीआई पिन का ऑप्शन आया। 210 रुपए की राशि दर्ज करने के लिए जैसे ही मैंने पिन दर्ज किया, मेरे खाता संख्या से 2 इंस्टॉलमेंट क्रमशः 24,998 और 9,999 रुपए की निकासी कर ली गई। उन्होंने बताया कि पैसे की निकासी होने के बाद जब उसी नंबर पर मेरे द्वारा कॉल किया जाने लगा तो वह नंबर स्विच ऑफ आने लगा। उन्होंने एसपी से इस मामले की जांच कर खाते से फर्जी तरीके से निकासी की गई राशि को लौटाने हेतु मदद किए जाने की गुहार लगाई है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। खुल
गया खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। पानी विवाह भवन 0 mile NS 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन।